जॉन अब्राहम धीरे धीरे अपनी हटकर कर रहे फिल्मों की वजह से काफी पसंद किए जा रहे हैं। उनकी फिल्मों को लोग काफी पसंद भी कर रहे हैं। जॉन की पिछली फिल्म परमाणु को भी धमाकेदार रिस्पॉन्स मिला था। वहीं अब जॉन अपनी आने वाली फिल्म सत्यमेव जयते को लेकर काफी चर्चाओं में है। फिल्म में जॉन शानदार लग रहे हैं, वहीं फिल्म के डायलॉग्स बड़े ही दमदार हैं। वहीं जॉन की बढ़ रही पॉपुलैरिटी की वजह से जॉन के हाथ में अनीस बज़मी की फिल्म साढ़े साथी लग गई है। और सबसे बड़ी बात तो जॉन ने इस फिल्म में अजय देवगन को रिप्लेस किया है। जी हाँ, इसी साल मार्च में अनीस ने अनिल कपूर और अजय देवगन को लेकर अपनी फिल्म साढ़े साथी की अनाउंसमेंट की थी। फिल्म की शूटिंग भी इसी साल एंड में शुरू होने वाली थी, लेकिन अब अनीस ने खुद अजय की जगह फिल्म में जॉन को साइन कर लिया है और फिल्म का टाइटल भी बदल दिया गया है। फिल्म का टाइटल साढ़े साथी से बदल कर कुछ और रखा जाएगा। अजय देवगन को जॉन से डेट इश्यूज की वजह से रिप्लेस किया गया है। अनीस ने कहा कि वो अजय के साथ कोई दूसरी फिल्म प्लान करेंगे। वैसे अजय के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल धमाल, रणबीर कपूर के साथ लव रंजन की फिल्म, तानाजी की बायोपिक और फिर चाणक्य को लेकर भी खबरें आई हैं। वहीं जॉन की फिल्म सत्यमेव जयते 15 अगस्त को रिलीज होगी। जॉन की पिछली फिल्म परमाणु की तरह ही ये फिल्म भी झंडे गाड़ पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप जॉन की फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।